फर्स्ट मंथ हुआ है और मैं यहाँ पर फिर आया सी आई टी सीखने के लिए। अच्छा जी, कैसे सिखा रहे हैं सर? बेहतरीन सिखा रहे हैं। बेहतरीन सिखा रहे हैं आप? मुतमईन है? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा काम मतलब सिखा रहे हैं। आपका टाइम तो कोई जाया नहीं हो रहा? बिल्कुल जबरदस्त, बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा जी, तो चले 3-4 महीने हो गए, किस तरह सिखा रहे हैं टीचर आपको? बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, मुतमईन हो पढ़ाई से? कौन सा कोर्स सीख रहे हो यहाँ पे? सीआईटी। आपको लाइव दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं और इसमें जो बच्चे माशाल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं बहुत ही जबरदस्त, उनमें मुख्तलिफ किस्म के कोर्स सिखाए जाते हैं। तो हमने आपको ये वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि आप अगर परेशान है अपने बच्चों के लिए तो वो आप आए और यहाँ पे दाखिले करवाएं और यकीन जानिए आप खुश हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको अंदर का विजिट करवाता हूँ, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, लाइव वीडियो है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मेरे साथ। ये जनाब ये वीडियो का जनाब ये आप देख रहे हैं कि ये बी मास्टर कंप्यूटर सेंटर। ठीक है, आ जाए। ये जनाब बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के कोर्स सीख रहे हैं। आज हम इन बच्चों से बात करेंगे, उसकी वजह यह है कि जब आप बच्चों से बात आपकी करवाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग समझें, उन बच्चों का इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ, उनकी बात सुने और ये बच्चे आपको खुद ही बताएंगे इस इदारे की क्या क्या खसूसियात हैं। और बहुत ही पुराने इदारे, यकीन जानिए कि अमूमन वालदैन परेशान रहते हैं कि हमें एक अच्छा इदारा नहीं मिल रहा। कराची पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे कंप्यूटर सेंटर भी होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे इदारे भी हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कुछ टाइम पास करने वाले इदारे होते हैं और कुछ वाकई सिखाने वाले इदारे होते हैं। तो हम जो यहाँ पर पहुँचे हैं, हम आप बच्चों की राय लेंगे कि वाकई ये इदारा कैसा है और किस तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं, इन बच्चों से पूछेंगे और क्या क्या कोर्स यहाँ पे सिखाए जाते हैं ये खुद ही आपको बताएंगे। और फिर आपने फैसला ये ही करना है कि हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल बनाने के लिए अपने बच्चों के दाखिले कौन से इंस्टीट्यूट में करवाने हैं। और ये जो इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट का नाम है दी कंप्यूटर, दी मास्टर कंप्यूटर सेंटर। तो चले मैं बात करता हूँ बच्चे से। हाँ बेटा, सलामुअलैकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है बेटा? मुझे ये बताओ कि आप कितने अरसे से इस इंस्टीट्यूट में सीख रहे हो? सर मुझे अभी एक फर्स्ट मंथ हुआ है और मैं यहाँ पर फिर आया सी आई टी सीखने के लिए। अच्छा जी, कैसे सिखा रहे हैं सर? बेहतरीन सिखा रहे हैं। बेहतरीन सिखा रहे हैं आप? मुतमईन है? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा काम मतलब सिखा रहे हैं। आपका टाइम तो कोई जाया नहीं हो रहा? जबरदस्त, बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा जी, तो चले जनाब ये देखें, ये जी कंप्यूटर सिखाया जा रहा है मुख्तलिफ किस्म को, यहाँ और बच्चा बैठा इससे बात करते हैं। हाँ बेटा, क्या हाल है? ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? हसनैन। रुको, हाँ बेटा क्या नाम है आपका? हसनैन। हसनैन बेटा, ये बताओ कि आप यहाँ पे कितने अर्से से सीख रहे हो? 3-4 महीने हो गए। किस तरह सिखा रहे हैं टीचर आपको? बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, मुतमईन हो पढ़ाई से? कौन सा कोर्स सीख रहे हो यहाँ पे? सीआईटी। ठीक है बेटा, मेहनत जारी रखो। जनाब आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप अपने बच्चों का दाखिला यहाँ पे करवाएं, अच्छा इंस्टीट्यूट है, कहीं भी करवा लेंगे हो तो जाएगा, लेकिन पढ़ाई अच्छी होगी तो आप भी मुतमईन होंगे, आपकी दी हुई फीस इंशाल्लाह रहेगा नहीं जाएगी। एक दफ़ा आप इस इंस्टीट्यूट में आएँ और आजमाइश लें, बच्चों को सिखाएं, आप खुद अपने बच्चों से राय भी लें। तो चलिए मैं आपको, यहाँ पे और बच्चे भी बैठे हैं, उनसे भी मैं आपको बात करवाता हूँ। ये जनाब, हाँ बेटा क्या हाल है? ठीक है, कैसी तबीयत है? अच्छा बेटा, कैसा, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते हो गए, कैसे सिखा रहे हैं आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे कौन से कोर्स सीख रहे हो आप? अच्छा अच्छा, आप मुतमईन हो यहाँ पे? जी जी जनाब। तो जनाब बच्चे तो बिल्कुल आपके सामने हैं, मैं एक एक से पूछ रहा हूँ और वो मुतमईन है, और इसी तरीके से मैं और बच्चों से भी पूछता हूँ। ये वो बच्चे हैं जो, वो स्टूडेंट है जो
यहाँ पे कंप्यूटर सीख के मुतमिन है और इनके वालदैन ने इस इदारे पर जो है ना भरोसा किया, इसी वजह से जो है ना ये तकरीबन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इदारा है और इदारे की कामयाबी करा सिर्फ आप हैं। तो चलिए मैं और बच्चे से भी आपकी बात करवाता हूँ। हाँ बेटा, क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद सुबान। बेटा कौन सा कोर्स कर रहे हो? अच्छा, मुतमईन हो इस इदारे से? कैसा काम करवा रहे हैं? किसी किस्म का कोई शिकायत तो नहीं टीचर से? अच्छा पढ़ा रहे हैं? क्या नहीं, ठीक है बेटा, काम करो, बहुत शुक्रिया जी। हाँ बेटा, ये और बेटा बैठा हुआ है। हाँ बेटा, क्या हाल है? ठीक है। हाँ बेटा, मुझे ये बताओ कौन सा कोर्स सीख रहे हो आप? ग्राफिक डिजाइनिंग। जी जनाब, ये बच्चा ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहा है और देखें इसकी उम्र भी देखें कि ग्राफिक डिजाइनिंग अभी से अगर ये सीखेंगे तो इंशाल्लाह यकीनन जब ये थोड़ा सही उम्र में जाएंगे तो ये इंशाल्लाह इनके लिए आगे कामयाबी के रास्ते खुलेंगे। अच्छा ये बताओ बेटा, कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? अच्छा, मुतमईन हो, सही सिखा रहे टीचर, खुश हो, किसी किस्म की कोई परेशानी कोई ऐसा इदारे से मुस्तफ़ीद हो रहे हो? चलो ठीक है बेटा, दिल लगा के सीखो जनाब। आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप अपने बच्चों को भेजें, थोड़ा ये बच्चों का इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं कि ताकि आप थोड़ा मुतमईन हो जाए। हमें बच्चों से देखें, जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको ज़्यादा पता होता है और हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप लोग इस इदारे से फ़ायदा हासिल करें। और ये भी एक सदका जारिया होता है कि अगर आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए और हम आप अगर आपको मुतारफ़ करवा रहे हैं तो ये हमारे लिए एक जो भी है सदके जारी। और आपकी वीडियो दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अपने बच्चे जो है ना यहाँ पे भेज सकें। तो बच्चे और भी बैठे हैं जनाब, इनसे भी मैं आपकी बात करवा रहा हूँ। हाँ बेटा, क्या हाल है? ठीक है। कैसी तबीयत है? कौन सा कोर्स कर रहे हो? अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। कितनी तालीम है आपकी? सर के। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ कैसा इदारा है? अच्छा लग रहा है? कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात है बेटा, दिल लगा के करो, आगे ये कोर्स आपके काम आएंगे। क्या कुछ कहना चाहोगे जी, जो जिन जो अक्सर वालदैन परेशान रहते हैं कि हम अपने बच्चे को कंप्यूटर सेंटर में तो दाखिल करवाएं करीब करेंगे लेकिन उनको अच्छे इदारा नहीं मिलेगा? अच्छा जबरदस्त जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। यहाँ पे और बच्चा भी बैठा। हाँ बेटा, क्या हाल है? ठीक है। कैसी तबीयत है? अच्छा बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, थोड़ा सा ऊंचा बोलें ताकि ये आपको देख रहे हैं और आपकी बात सुनना चाह रहे हैं। बेटा ये बताओ, आप इस इदारे में कौन सा कोर्स कर रहे हो? जबरदस्त। अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैट्रिक में पढ़ते हो जनाब? ये बच्चे मैट्रिक में पढ़ते हैं और अभी से कंप्यूटर वाले अच्छे अच्छे कोर्स कर रहे हैं तो यकीनन इनके लिए आगे कामयाबी के रास्ते खुलेंगे। अच्छा ये बताओ बेटा कि यहाँ पे कितना आप मुतमईन हो इस इदारे से? सीख रहे हो तवज्जो के साथ? टीचर कैसे आपके साथ, मतलब हो सकता है? बहुत ज़बरदस्त पढ़ा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है जनाब। ये देखिए जनाब, ये बच्चे आपको बड़े हंसते हुए खिलते हुए फूल जो है ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये सितारे से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, दिल लगा के काम करो। ये हमारे पास एक और बच्चा बैठा हुआ, इससे बात करते हैं। बेटा क्या हाल है? ठीक है। ऊँचा बोलो ताकि आपकी आवाज़ सुनी जा सके। अच्छा ये बताओ बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैट्रिक में पढ़े। कौन सा कोर्स कर रहे हो? अच्छा, मुस्तफ़ीद हो रहे हो सही इदारे से, आप खुश हो इस इदारे से, उस टीचर सही सिखा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। बेटा दिल लगा के करो। तो जनाब बात यह है कि आपको इसलिए ये इदारा मुतारफ़ करवा रहा हूँ कि आप हमेशा अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए अच्छे इदारे का इंतखाब करें। आप अगर अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अच्छे इदारे का इंतखाब करेंगे तो यकीनन आपके बच्चे कामयाबी की तरफ जाएंगे और आपकी ये जो मेहनत की कमाई है, ये जो आप हर महीने फीसें देते हैं, आपकी बच जाएगी और यकीनन आपके बच्चे कामयाबी की तरफ जाएंगे। मैं यहाँ पे सर असाम साहब से भी आपकी बात करवाता हूँ, वो भी आपको कुछ बताएंगे इस इदारे के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो को आपने लाजमी दूसरे दोस्तों को शेयर करना है
करेंगे उसमें ये होगा कि एक सदका जारी है। शेयर करने का मकसद ये होता है कि सदका जारी हो जाता है और फिर काफ़ी लोग आते हैं, परेशान भी होते हैं कि यार हम अपने बच्चों को कौन से इंस्टीट्यूट में दाखिला करना, बच्चे हमारे कहाँ पे पढ़े, क्योंकि फीसें तो देनी होती हैं किसी भी इदारे में जाए, लेकिन एक अच्छा इदारा मिलना बहुत ही नामुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है सर। आपका ये इंस्टीट्यूट का हमने बहुत सुना, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, और हमने बच्चों से भी इंटरव्यू वगैरह लिया, थोड़ा इसके बारे में बताएं, ये कौन कौन से कोर्स करवा रहे हैं? जी हम लोग यहाँ पर एमएस ऑफिस, सीआईटी, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करवा रहे हैं। अच्छा। और वेब डिजाइनिंग के करा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। ये जो इदारा है, ये जो हमारे जितने भी दोस्त हैं वो देख रहे हैं आपकी वीडियो, ये थोड़ा इदारे के बारे में बताएंगे, अगर कोई इस इदारे में दाखिला लेना चाहता है अपने बच्चों के लिए तो वो किस तरह मतलब यहाँ पे आ सकता है, थोड़ा एड्रेस बताएं यहाँ। जी दरअसल ये कराची बल्दिया डॉन के अंदर लोकेटेड है। अगर मैं आपको नियर बताता चलूँ तो गुलशन मंजूर प्लॉट 620 और 621 नियर इसका आता है अल खलीक एस्टेट एजेंसी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर को बच्चों के मामले में? बच्चों के मामले में हम यही कह सकते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी में आगे से आगे जाना, अच्छे से अच्छा स्टेप लेना चाहिए। अच्छा। और अब वो आईटी कोर्सेज की तरफ आए, क्योंकि अब पाकिस्तान में कोई अहमियत नहीं रही एक इंसान की। अच्छा। तो आईटी कोर्स सीख कर ना बंदा अगर अदर कंट्री में जाकर यहाँ फ्रीलांसिंग करता है ना, तो अच्छे से अच्छा बंदा अपना घर चला सकता है। अच्छा। तो मेरी तरफ से लोगों को, स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ मैं कि आप आईटी कोर्सेज की तरफ आए, जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं एजुकेशन है वो भी करें, और जो हाउस वाइफ हैं जो घर में थोड़ी सिफारी होती हैं तो वो भी आकर ही कर सकती हैं। और बेसिकली एक आप लोगों को बात बता चुकी हूँ, यहाँ पर गर्ल्स भी हैं पढ़ा रहे हैं। अच्छा, यहाँ मतलब बच्चे और बच्चियों की क्लासें भी होती हैं? बच्चियों की। अच्छा, ये जो लड़कियों की क्लासें हैं, लड़कियां और लड़कों की क्लासें अलग अलग हैं या? बिल्कुल सेपरेट क्लासेस होती हैं, लड़कों की टाइमिंग अलग है, लड़कियों की टाइमिंग अलग है। अच्छा, लड़कियों की टाइमिंग अलग से रखी गई है और लड़कों की टाइमिंग अलग से लगी गई है, और ये अलग अलग क्लासें होती हैं। अच्छा, तो ये हमारे टीचर एक और हैं, वो बच्चे को समझा रहे थे, इससे भी बात करते हैं। ये वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है, माशाल्लाह आप काफ़ी बिजी थे, मसरूफ़ थे, थोड़ा बताएं इस इदारे के हवाले से कि ये जो यहाँ पे क्लासें ली जा रही हैं बच्चों को सिखाने के लिए, उस बारे में थोड़ा बताएं, हमारे जो है दोस्त देख रहे हैं आपकी वीडियो। ये बहुत अच्छा ही इदारा है, यहाँ पे मुख्तलिफ कोर्स कराए जा रहे हैं, ग्राफिक, PIT, IT वगैरह, इस तरह DIT वगैरह, MS वर्ड, सब अलग अलग कोर्स सिखाए जा रहे हैं यहाँ पे, बच्चे भी माशाल्लाह बहुत तादाद में आते हैं, तो अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे टाइमिंग क्या होती है, छुट्टी का दिन कौन सा होता है? छुट्टी का दिन यहाँ पे हफ्ता और इतवार का होता है, और यहाँ पे लेडीज टाइमिंग अलग है और लड़कों की अलग टाइमिंग है। अच्छा, 2:30 से 5 लड़कियों की टाइमिंग है और 5 से 8 बजे तक या 9 बजे तक लड़कों की टाइमिंग। अच्छा, ये थोड़ा बताएं कि कौन से ये जो बच्चे मतलब जैसे नॉन क्लास से बच्चे शुरू होते हैं तो कौन सी क्लास से मतलब यहाँ पे दाखिला ले सकते हैं? यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे कम से कम 5 वाले भी आते हैं। अच्छा, 5X वाले। अच्छा, मतलब वो भी यहाँ पे आके कोर्स वगैरह सीख सकते हैं। जी जनाब, तो आपने देखा कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट का बहुत ही जबरदस्त इंस्टीट्यूट है। हमारी वीडियो इसलिए बनाई जाती हैं, बरमाती वीडियोज के लोगों को पता चले कि किस तरह की वीडियो जो है हमारे लिए फायदा मंद है। आप ऐसी वीडियो देखा भी करें और दोस्तों को भी शेयर किए ताकि उनको भी मालूम मिल सके, और इस इंस्टीट्यूट में आप आए, अपने बच्चों और बच्चियों का दाखिला करवाएँ, और यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के बेहतरीन कराम अपने ज़ेर निगरानी के बच्चों को कंप्यूटर की क्लासेस देते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ पढ़ाई होती है। ठीक है जनाब, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।